हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज हाइल एंड वाचिंग आरएचके व्लॉग्स। व्लॉग्स बनाते बनाते हमें ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो आज तक नहीं बदली है वो है नकटू का रेडी होके जल्दी निकलना। आज भी सेम सिचुएशन है, मैं रेडी होके आधे पौने घंटे से वेट कर रहा हूँ, अरे मैडम अभी भी रेडी हो रही है। तो बोलते हैं ना कि जिंदगी में सब बदल सकता है, लेकिन बीवियों का रेडी होने का जो सिलसिला है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। शायद आप सब लोग एग्री कर रहे होंगे इस चीज़ से। आई नो कि सारी जितनी भी लेडीज़ देख रही हो मुझे गुस्सा करेंगी इस बात से लेके, बट आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हमको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आपको दिखा दूँ नकटू क्या कर रही है इतने देर से। घर के कितने काम होते हैं लड़कियों को, होते ही कि नहीं। तुम्हारा क्या काम, बस आओ नहाओ दो रेडी हो जाओ बस निकल जाओ। हाँ क्या काम होता तुम्हें बताओ। सर खाने का काम भी करते हैं। चलो यार जल्दी रेडी हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ नीचे, गाड़ी में आ जाना। ठीक है ठीक है, ड्राइवर गाड़ी निकालो। ओह माय गॉड, तुम्हें छोड़ जाऊंगा अभी यहाँ पे, देख लो। तो सब करते करते 1:15 तो बजा ही दी। चलो फाइनली अब हम अभी भी लाल हो पे इसके खत्म नहीं हो रहे। मैं खराब हूँ, यही सब चलता है, पता है क्या। अब बोलते ना क्यों लेट आ रहा है वीडियो, इस से लेट आ रहे हैं वीडियो। हाँ बताओ, मेरे बिल फाड़ा जा रहा है। ओके गाइस, तो आज जो हम प्रोजेक्ट पे विजिट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है नोवा। ये प्रोजेक्ट मगरपट्टा सिटी जिन्होंने बनाया, जो बिल्डर है उनका ये प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट की जो डिटेलिंग जब आई थी हमें, तो दिखने में तो अच्छा दिख रहा है प्रोजेक्ट, क्योंकि लोकेशन भी इसकी अच्छी है अगर कोई कोरेगांव पार्क के करीब देख रहा है तो। लेकिन बाकी सारी चीजें जो है अपने को साइट पे जाके चेक करनी पड़ेगी। काफी टाइम के बाद आज हम दोनों एक साथ प्रॉपर्टी ब्लॉग में आए हैं। कवर कर लो, बस कवर कर लो, कवर नहीं कर लो, इम्पोर्टेंट है कि मैं आई हूँ आज। मतलब मैं आई हूँ तो एक वीडियो अच्छा बनेगा। पिछले दोनों वीडियो में भी तुम थी, कोई अच्छा नहीं बनाता वो। कैसे खराब बातें कर रहे हो तुम आज। इम्पोर्टेंट है कि हम आपको ये वाला वीडियो अच्छा बना के देंगे। और सच में बता रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी मुझे जो उसकी लोकेशन है ना वो सच में बहुत जबरदस्त है, बिकॉज वो लोकेशन प्रॉपर पीएमसी में है और आजू बाजू जो सराउंडिंग है ना वो सारा पॉश एरिया है, मगरपट्टा कोरेगांव पार्क और मुनगा वाला थोड़ा सा एरिया। चलो फिर ब्लॉग में बने रहो आप, मैं आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ, रोड भी दिखाता हूँ और बाकी आगे डिटेलिंग वहाँ पे जाके कवर करेंगे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं केशव नगर वाले सिग्नल पर, तो इस सिग्नल से हमें जाना है राइट मुंडवा की तरफ। तो ये शुभ ट्राइस्टर का काम चल रहा है यहाँ पर, इतना काम हुआ है यहाँ पर। पासपोर्ट ऑफिस वाला सिग्नल और यहाँ से राइट जाएंगे तो हम कोरेगांव पार्क चले जाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और जो लेफ्ट साइड जो रोड जाता है हमें जाना है लेफ्ट साइड वाले रोड पर। ये तो बाद में आई थिंक नया फ्लाईओवर बना था ना ये। हाँ ये वाला रोड लेना है अपने को, तो यहाँ से लेना है। हाँ। तो ये ब्रिज से हम लोग जाएंगे ऊपर से, ये फ्लाईओवर खत्म हुआ ना, ब्लू शेड्स दिख रहे हैं ना, ये है नोवा प्रोजेक्ट। तो ये रहा ब्रिज, इस ब्रिज से हम लोग स्ट्रेट आए थे, बस यहाँ से जिसे यू टर्न लेना है सर्विस रोड पे, क्योंकि यहाँ पर इनका है सेल्स ऑफिस और ये पूरा आगे तक जाएगा, तो ये इनका एक्चुअली प्रोजेक्ट लोकेशन रहेगा। तो अभी पहले हम लोग जाएंगे सेल्स ऑफिस में और आपको दिखाते हैं थोड़ा सैंपल फ्लैट वगैरह। ठीक है, इतना काम हुआ है। ये सेल्स ऑफिस है, ये शायद सीपी लाउंज एरिया है, वो थोड़ा सा अंदर है ना। चलो चलते हैं अब हम अंदर। Thank you.
कैसा लगा तुम्हें? अच्छा बनाया है, मतलब अभी फर्नीचर वगैरह है तो खाली खाली रह रहे हैं, लेकिन अच्छा बनाया है। स्पेशियस है, स्पेशियस है, जो क्वालिटी भी यूज कर रहे हैं, जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग है, कुछ ब्लैक नहीं है, और ये जो विंडो है ये भी मुझे ये हाँ ये ज्यादा अच्छा लगा, मतलब इसकी जो फिनिशिंग है ना ये अच्छी है। ये अच्छा मिलेगा, बहुत बड़ी टीवी भी लग सकती है यहाँ पे, इतनी बड़ी वॉल है वो। देखो 3.5 BHK के है तो उस हिसाब से स्पेशियस लग रहा है। उतना ही हाँ ब्रॉडनेस तो उतना ही है, प्लस इसमें अच्छी चीज क्या लगी पता है ना, तो ये आइडिया बहुत अच्छा दिया लॉफ्ट का, बिकॉज लॉफ्ट की कमी आजकल तो है ही, कि यहाँ पे ये सेंटर में ऐसा लॉफ्ट दे देते हैं, यहाँ पे बैटरी वगैरह बिठा देते हैं, वरना ये एक अच्छी चीज़ है कि लॉफ्ट दिए उन्होंने। प्लस इनके जो वॉशरूम के फिटिंग्स भी है ना वो भी अच्छे हैं, नहीं ड्यूराविट के हैं, नल वगैरह है वो जैगवार के हैं, बाकी के ये ड्यूराविट के हैं। हाँ डोर की ना ये भी अच्छा दिया। अब यहाँ पे अच्छी है फिनिशिंग, बस ये चीज़ अलग है और मेन डोर है ना वो अलग है, वो ब्राउन कलर का है। ओवरऑल देखा जाए तो स्पेशियस दिख रहा है और बड़ा फ्लैट है और प्रिवेसी अच्छी है, स्पेशली मगर पट्टा वाले लोगों का एक प्रॉब्लम होता है वो ये इनको मिलता नहीं है लॉबी स्पेस। हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इन शॉर्ट आप उसको डेड स्पेस की तरीके से भी थोड़ा देख सकते हो, बट मुझे लगता है कि यार वो एक रूम का एटलीस्ट एक्सेसिबल है 0.5 है ना, ये कवर हो रहा है, कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा स्पेसेस दिख रहा है मुझे ना घूमने खेलने के लिए। अच्छा, और ये 0.5 वाला रूम जो है ना उसके हिसाब से इतनी सी विंडो सही दी है मतलब, और ये 0.5 वाला रूम भी है ना थोड़ा अच्छा है, है ना। अच्छा एक ड्रॉबैक जो मुझे क्या दिखा पता है क्या 0.5 में, देखो इधर आओ, ये यहाँ पे है ना विंडो है और वो जो वॉशरूम है ना उसकी विंडो वहाँ है, तो स्मेल आ सकती है उस वॉशरूम से अगर ये विंडो खुला रखा तो। एक चीज अच्छी ये लगी कि इतने बड़े पूरे विंडो देने के बाद में भी ना नीचे जो है सिर्फ ग्लासेस दिए हैं, ये सेम सिनारियो हमने रिवरडेल में देखा था, रिवरडेल वाले ने क्या कहा था पूरा दिया था, स्लाइड करते से ना पूरा ओपन होता था, तो मैंने वही बोला था नीचे भले ग्रिल दे रहे हो फिर भी बच्चे कुछ ना कुछ फेंक सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अपने आइडिया लगाया था वहाँ पे। यहाँ पे वो चीज कवर्ड है बिकॉज ये टफन ग्लास है नीचे, बस ऊपर ही स्लाइड हो रहे हैं वो एक हाँ वैसा है, बट इट्स गुड एटलीस्ट वो बेकार टाइप के रेलिंग तो नहीं लगाते आजकल, है ना।
एनीवेज देखो एंड ऑफ द डे दिस इज अ सैंपल फ्लैट, ओरिजिनलिटी ओरिजिनलिटी है बाद में। ठीक है चलो अभी है ना हम लोग इनको थोड़ा सा लैंड पार्सल दिखाते हुए फिर आगे डिटेलिंग की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलो तो ओके गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये प्रोजेक्ट के बराबर सामने ना इधर देखो एक फैक्ट्री दिख रही है आपको, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है कि यहाँ से साउंड वगैरह का प्रॉब्लम आ सकता है। बट इनका बोलना क्या है कि आवाज़ कम आती है, पहले थोड़ी सी ज़्यादा आती थी अब कम है, बिकॉज दोपहर के टाइम में अगर आप यहाँ पे आके आवाज़ सुनोगे कि फैक्ट्री की आवाज़ आ रही है क्या, तो वो नहीं है। देखो चिमनी और इस चीज़ का जो स्मेल का प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ साउंड का कभी कभी आपको आ सकता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं है बट थोड़ा बहुत आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट्री प्रोजेक्ट के पीछे साइड में ट्रेन लाइन है, जो कि यही सेम ट्रेन लाइन है जो बाकी प्रोजेक्ट्स को भी क्रॉस करती है, जैसे गंगा अवांता है, मंत्रा का जो बर्गंडी नया प्रोजेक्ट है, वो सब चीज़ें वही ट्रेन लाइन है वो, तो उसका भी साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है एक साइड से, बिकॉज वो 200 मीटर पे ही है। हाँ 200 मीटर पे तो करीब है, तो ये एक सेकेंड ड्रॉबैक, मतलब दो ड्रॉबैक हैं लोकेशन के। बाकी एज पर प्रोजेक्ट एज पर लेआउट वो सब चीज़ें अच्छी हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक हमें लग रहा है, बस लोकेशन का ही थोड़ा सा पंगा है। तो अगर किसी को लगता है कि यार ये अवॉइड कर सकते हैं तो सोच लो, इट्स अप टू यू। ओके गाइस, तो हम लोग निकलने के बाद में ना बाजू में एक एचपी का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे है ना एक नारियल पानी वाला है, देखो ये 70 रुपीज का नारियल पानी है, लेकिन पानी और मलाई दोनों भर भर के देखो कैसे खा रही है लपेट लपेट के। मुझे मिली भी नहीं मलाई खाने को। अच्छा एक और ले लो ना, पीना भी पड़ेगा पूरा पानी, तो कोई बात नहीं एक पानी और पी लो। श्योरली ट्राई करना ये नारियल पानी, यहाँ पे बहुत अमेजिंग देता है। और हाँ जो मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है वो ये वाली है, देखो एग्जैक्टली सामने है, तो बहुत बड़ा लैंड पार्सल है ये भी, तो यहाँ पे आपको इसका नॉइज वगैरह आ सकता है। इतना बड़ा है तो नारियल हो इतना बड़ा नारियल भी आता है, बताओ इतना ज्यादा ये पुराने वाले से भी मीठा है। हाँ देखो बाप रे, देखो तुम ये देखो, वाओ फ्रेश है बहुत। एक बार पीना पड़ेगा मुझे क्योंकि तुम मलाई नहीं करो। अच्छा ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये वाली ये है नोवा अपार्टमेंट्स, ये भी उनका ही प्रोजेक्ट है, तो उसी के आगे वो जो वहाँ पे आपको दिख रहा है ये लगे हुए, ये वो नोवा वाला प्रोजेक्ट है, ये बाजू में ही है। ये जो लैंड पार्सल है वो कुछ 50-60 एकड़ का लैंड पार्सल है, फेज 1 में ये अपार्टमेंट था, फेज 2 इसके बैक साइड है, और अभी जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं वो फेज 3 है इनका। हाँ तो ऐसा फेजेस में डिवाइडेड है, बट इसमें एक प्रॉब्लम मुझे क्या समझ में आ रही पता है, कि ये जो टावर रहेगा ना इनके जो इधर वाले फेसिंग वाले फ्लैट है उनके सामने ये वाले अपार्टमेंट्स आएंगे, तो आमने सामने हो जाएंगे फ्लैट्स, है ना। वो देखो वो दिख रहा है ना जो काम चल रहा है, वो क्रेन लगी हुई है। नक्त उनको पूछो होम डिलीवरी करते है क्या। टिकाओ कितना निकला देखो तुम, इतना पूरा नारियल भी निकला है डबल, नीचे का भी इतना बड़ा शेल। बाप रे नाइस, आराम से खाऊंगा। ट्राई करना आप लोग है ना, जरूर यहाँ पे आना, ये नारियल पानी बहुत अमेजिंग देता है, डोंट मिस इट। चलो निकलते हैं। क्या है ये सब प्लेटिंग प्लॉटिंग कर करके गा रही है। प्लॉट्स निकाल निकाल के जा रहे हैं। ओके गाइस, हम प्रोजेक्ट से आगे आने के बाद में स्ट्रेट लेफ्ट ले ली, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है न्याति इवॉल्व की है, और यही रोड से आप जाके वापस मगरपट्टा वाले रोड पे कनेक्ट कर जाओगे। देखो नोवा वाले ने बोर्ड यहाँ पे भी लगाया है, ये जो है ना ये बाजू वाला एक और बिल्डिंग ये है नोवा, ये भी इनका ही आ रहा है, तो ये लग्जरी अपार्टमेंट्स रहेंगे, ये 4.5 BHK रहेंगे, 6 महीने के बाद में ये लॉन्च होंगे, काम उन्होंने अभी से स्टार्ट किया है इस चीज का, ये उनकी चाल है ताकि वो ज्यादा प्राइस पे बेच सके। हो सकता है करते बिल्डर लोग, बट एक प्रॉब्लम क्या होगी पता है, अगर ये बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी ना इधर वॉल वालों की लग गई, इनको भी लग गया इनको भी लग गया दोनों की। हाँ ना दोनों की लग गई, यही होता है पता है क्या, ऐसे खरीदते है ना जहाँ पे आजू बाजू कुछ नहीं हो, ठीक है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से हमने कवर किया है इस वीडियो में, अब चलते हैं और प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के साथ में मैं आपको मिलता हूँ।
ओके गाइस, तो चलो अब प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसका मास्टर लेआउट। ये टोटल 3 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसके अंदर आपको 2 टावर मिल रही हैं और बाकी एमिनिटीज दिखेंगी। और वो जो बिल्डिंग सी दिख रही है वो उनकी महाड़ा वाली बिल्डिंग है। टावर बी को थोड़ा सा बड़ा किया है, वो कार्पेट साइज थोड़े बड़े रखे। टावर ए जो है वो थोड़ा सा छोटा रखा है इन्होंने। पोडियम लेवल पर पूरी एमिनिटीज होंगी, नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकेंड ऐसे इनके पूरे पार्किंग्स रहेंगे और फिर पोडियम से इनकी बिल्डिंग स्टार्ट होगी। साइड से आपको जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है वहां पे भी नीचे कुछ एमिनिटीज वो सेटअप करने वाले हैं, जहाँ पे जो ओपन स्पेस वगैरह दिख रहा है वहां पे। और ये जो दोनों टावर जो है वो नॉर्थ साउथ फेसिंग है, तो इसलिए इन्होंने इसकी एंट्रीज जो है वो ईस्ट वेस्ट करी है। इसके 2 एंट्री और एग्जिट गेट्स होंगे, एक जिस जो हम ड्राइवे से अंदर गए थे वो, दूसरा एक और इनका गेट बनेगा जो डायरेक्ट मेन रोड पे कनेक्ट करेगा। बिल्डिंग ए में आपको 3 2 BHK और 1 3 BHK मिलेंगे और बिल्डिंग बी में आपको 2 2.5 BHK, 1 3 BHK और 1 3.5 BHK मिलेगा। 2 BHK के साथ आपको 1 कार पार्क और 1 बाइक पार्किंग मिलेगी। 2.5 BHK के साथ में 1 कार पार्क, 2 बाइक पार्क मिलेगी। 3 BHK, 3.5 BHK के साथ आपको 2 कार पार्किंग और 2 बाइक पार्किंग मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको एक पर्सनल EV चार्जिंग पॉइंट भी दिया जाएगा आपके पार्किंग में। अभी जो इनका जो रेरा आया है वो 10th फ्लोर तक ही आया है, 10th फ्लोर के ऊपर का रेरा आना बाकी है। बट हाँ, 10th फ्लोर तक भी इनके पास में अभी ऑप्शंस हैं, यूनिट्स अवेलेबल हैं। आपको जो यूनिट चाहिए वो आप मुझे बताओ, मैं उनसे कंफर्म करूंगा कि ये यूनिट उनके पास अवेलेबल है या नहीं है अभी। और इसका जो पोजीशन है वो 2028 में है, दिसंबर में। और इनका जो बुकिंग अमाउंट अभी चल रहा है वो 10% ऑफ द एग्रीमेंट वैल्यू है। और इसका जो मेंटेनेंस आएगा वो 5 to 6 rupees पर स्क्वायर फीट आने वाला है। और ये टोटल 25 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी। तो यहाँ पे आपके फ्लोर राइज चार्जेस भी हैं इनके पास, जो कि आपका 2nd फ्लोर ऑनवर्ड्स ऐड हो जाएंगे, जो कि 40,000 rupees पर फ्लोर है। सो ये है टावर नंबर ए का फ्लोर प्लान। इसमें आपको 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलेंगे, 4 लिफ्ट मिलेंगी, 2 स्टेयरकेसेस मिलेंगे। नॉर्थ फेसिंग वाले जो 2 फ्लैट है वो 2 BHK और 3 BHK है, और साउथ फेसिंग वाले जो 2 फ्लैट है वो दोनों 2 BHK। इनका कार्पेट साइज है 809 square feet, जो 2 BHK बिग है उसका कार्पेट साइज है 873 square feet, और जो 3 BHK स्मॉल है उसका कार्पेट साइज है 1082 square feet। सो इस फ्लोर प्लान को अगर देखोगे तो एक चीज इसमें अच्छी है कि जो 2 BHK है उनकी जो वॉल है वो शेयर नहीं हो रही है, कोई कॉमन वॉल नहीं है। बट हाँ, 2 BHK और 3 BHK में एक कॉमन वॉल जो है वो शेयर हो रही है। तो उनका कहना ऐसा है कि अगर आपको इसको मर्ज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, एक सॉफ्ट वॉल है उसको हटा के आप एक पूरा बड़ा 5 BHK भी बना के ले सकते हैं। सिर्फ वॉल हटेगा, बाकी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे अंदर। सो ये टावर नंबर बी का फ्लोर प्लान है। इसमें भी आपको 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट मिलेंगे, 4 लिफ्ट मिलेंगे, 2 स्टेयरकेसेस मिलेंगे। सो इस लेआउट में भी आप देखोगे ना तो कोई रूम की वगैरह कोई ऐसे वॉल शेयरिंग नहीं हो रही है, बस एक ही वॉशरूम वाली वॉल है वो शेयर हो रही है, बाकी पूरा सेपरेट है। अगर इसका 2.5 BHK दोनों देखोगे तो दोनों भी सेपरेट है, कोई भी वॉल वहाँ पे शेयर नहीं हो रही है। और ये जो 2.5 BHK है इसका स्क्वायर फीट है 990 square feet, जो 3 BHK है उसका है 1234 square feet, और 3.5 BHK जो है 1428 square feet का है। तो ये जो 3.5 BHK जो है ये सबसे बड़ा कार्पेट साइज है इस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे भी आपको सारे फ्लैट नॉर्थ साउथ मिलेंगे, इसलिए इन्होंने इसकी एंट्री जो है वो ईस्ट वेस्ट करी है। इसमें बस एक ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि सारे फ्लैट की जो एंट्रीज हैं वो आमने सामने हैं, तो आपको इतनी कोई खास बड़ी लॉबी मिलती नहीं है, जगह बहुत छोटी हो जाती है एज पर लॉबी साइज। तो इस वीडियो को पॉज करके इसके जो लेआउट साइजेस हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेना आप। सो इस तरीके से इसका टावर रहेगा। अगर आप नीचे देख रहे हो ना, ये पूरी पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल नहीं आ रहा है। अगर मैं इनकी फेसिंग्स की बात करूँ बिल्डिंग की, तो ये थोड़ा डायगोनल है, एकदम आमने सामने नहीं है ये दोनों बिल्डिंग, तो थोड़ा सा प्रिवेसी इसके अंदर आपको मिलेगा। टावर नंबर ए का 3 BHK स्मॉल और टावर नंबर बी का 3 BHK बिग, ये दोनों जो है ये आमने सामने आ सकते हैं। बट इसके अलावा मुझे जो बेस्ट लगता है वो है 2 BHK बिग, तो इसके सामने कोई भी प्रिवेसी हैम्पर आपकी नहीं होगी, प्लस आपको अच्छा खासा ओपन व्यू आने वाला है, और प्लस ये फ्लैट है ना 3 साइड ओपन है, इसकी वजह से आपको ये फ्लैट जो है बहुत वेंटिलेटेड मिलेगा।
2BHK जो स्मॉल है टावर ए के, इसके सामने जो इनका नोवा अपार्टमेंट्स का बिल्डिंग आ रही है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आपका प्रिवेसी हैम्पर हो सकती है। डिस्टेंस है थोड़ा सा वहाँ पर, लेकिन फिर भी आपका व्यू ब्लॉक हो सकता है। 2.5 BHK के दोनों फ्लैट और 3.5 BHK का जो फ्लैट है, ये भी पूरे 3 साइड ओपन फ्लैट है। यहाँ पे आपको कोई व्यू का प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्पेशली फॉर 2.5 BHK, बिकॉज इसकी फेसिंग जो है वो पूरी ओपन है एंड 3.5 BHK की भी फेसिंग पूरी ओपन है। तो ये जो यूनिट्स है इसके बारे में आप सोच सकते हैं अगर आप ये प्रोजेक्ट प्रेफर कर रहे हैं तो। सो अगर आपको मेन फ्लैट चाहिए और लोकेशन चाहिए तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, नीचे आपको कोई इतनी खास स्पेस मिल नहीं रही है, वॉकिंग स्पेस वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे कम है, बिकॉज ऑलरेडी आप देख रहे हो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपको सिर्फ ड्राइववे वाली जगह दिख रही है। अगर आपको वॉकिंग वगैरह करना है तो पोडियम पे जो जितना भी स्पेस है बस वही यूज़ करना पड़ेगा आपको, बाकी कोई भी ऐसी जगह यहाँ पे है नहीं कि जो बहुत ज़्यादा स्पेसियस आपको जगह मिले। इसलिए अगर आपका फोकस ओनली फ्लैट पे है तो आप ये प्रोजेक्ट प्रेफर कर सकते हो। ओके, ये है इसके एमिनिटीज। ओपन स्पेस एमिनिटीज वो हैं जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, एंड पोडियम लेवल एमिनिटीज वो हैं पूरे जो एंटायर इस पोडियम पे आपको दिख रहा है। कुछ एमिनिटीज ऐसे हैं जहाँ से टावर आपका स्टार्ट होता है उसके ग्राउंड फ्लोर पे कुछ इंटरनल एमिनिटीज भी उन्होंने दी हैं जो कि कवर्ड रहेंगी। पूरे एमिनिटीज रीड आउट कर लो। नो डाउट एमिनिटीज आर गुड, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंजेशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो वॉकिंग स्पेस वगैरह है वो थोड़ी सी कम है जैसे मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस आपको एमिनिटीज में करने पड़ेंगे। इवेंचुअली दे ट्राइड टू फिट इट आउट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंजेशन मुझे समझ में आ रहा है इसके अंदर। ओके गाइस, तो ये है इसके प्राइजेस। ये जो प्राइजेस हैं ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है, इसमें 12% टैक्स जो है वो मिसिंग है। तो ये प्राइजेस जो है ये फर्स्ट फ्लोर के प्राइजेस हैं। जैसे आप सेकंड फ्लोर से जाओगे इसमें 40,000 रुपीज आप ऐड कर लेना। मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया था 5 to 6 rupees पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस आएगा, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग एट द टाइम ऑफ पोजीशन आपको पे करना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो प्राइजेस थोड़े से ज्यादा हैं एज पर लोकेशन, अगर देखा जाए ना थोड़ा सा हायर साइड में बेच रहा है बिल्डर, बट एक्चुअली जो प्राइजेस अभी दिख रहे हैं ये ऑल इंक्लूसिव होते और थोड़ा निगोशिएशंस रहता तो फेयर इनफ रहते, लेकिन और इसमें अगर 12% ऐड करेंगे और फ्लोर राइज और ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइजेस ऊपर थोड़े शूट हो रहे हैं इसके। देखते हैं अगर निगोशिएशंस रखते नहीं रखते, बिकॉज जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि मगरपट्टा ग्रुप जो है वो निगोशिएशंस नहीं करते हैं, उनके जो प्राइजेस रहते हैं वो फाइनल प्राइजेस रहते हैं, बट नॉट श्योर कि कितना कन्वर्जन रेट उनके पास आएगा। अगर वो देखते हैं कि नहीं कन्वर्जन रेट ज़्यादा नहीं है तो माइट भी थोड़ा सा प्राइस वो कम करें। रही बात इसके रेरा अभी तक आया नहीं है 10th फ्लोर के ऊपर, बिकॉज अभी इलेक्शंस हैं, जब इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद में इसका रेरा के चांसेस है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक रेरा नहीं आता है इसका, तब तक कि आगे प्राइसिंग या चीज़ें किस हिसाब से होंगी। सो बहुत सारे लोग जो है वो उसी लिए वेट कर रहे हैं कि एक बार इनका रेरा आ जाए आगे का, एंड देन दे कैन प्लान आउट फॉर बुकिंग्स एंड ऑल द स्टफ्स। ओके गाइस, तो सारी डिटेलिंग मैंने दे दी आपको और इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, लोकेशन वाइज लेआउट वाइज रिलेटेड वो सब चीज़ें हमने आपको इसी वीडियो में साथ में ही ऐड करके बता दी है। उम्मीद है आपको डिसीजन लेने में भी आसानी हो जाएगी। अगर कुछ क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, चलो, दिस इज हाइल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन।